योग शक्ति दिवस शनिवार को श्री नवदुर्गा मंदिर सराभा नगर में साय 3:30 बजे से 5:30 बजे तक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हर बार की तरह इस बार भी अखिल भारतीय प्रधान देशराज ने मुख्य वक्ता के रूप में सभी का मार्गदर्शन किया। योग चर्चा के साथ साथ इस दिन का मुख्य विषय ब्रेस्ट कैंसर रहा। इस दिन महिलाओं द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। देशराज अखिल भारतीय प्रधान भारतीय योग संस्थान आज लुधियाना में नव दुर्गा मंदिर में महिला योग शक्ति दिवस का आयोजन भारतीय योग संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य माताओं को महिला रोगों के बारे में जागरूक करना और योग के प्रति प्रेरणा देना था। भारतीय योग संस्थान सभी को सुखी और स्वस्थ देखना चाहता है। उसी संदर्भ में समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि दिसंबर में हम महिला योग शक्ति दिवस का आयोजन करते हैं पूरे भारतवर्ष और विदेशों में, जिसमें महिला रोगों से संबंधित उनको जागरूकता देना, योग के प्रति प्रेरणा देना। आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर चर्चा की कि कैसे महिलाएं इस रोग से बच सकती हैं और अगर किसी को हो गया तो उसे कैसे प्राकृतिक चिकित्सा और योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं या उसको एक नियंत्रण में रख सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हमारे 2 अक्टूबर को, 10 अप्रैल को, 30 जुलाई को, 26 जनवरी को, ऐसे भिन्न भिन्न तारीखों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय योग संस्थान के 4000 से ज़्यादा योग केंद्र पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन निःशुल्क चलाए जाते हैं, जिसमें कि लाखों और करोड़ों लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित किया जा रहा है। धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान की एक त्रैमासिक पत्रिका है योग मंजरी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिका भारतीय योग संस्थान द्वारा पिछले 44 वर्षों से निरंतर प्रकाशित की जा रही है और इसकी विशेषता यह है कि हर वर्ष जो इसका पहला अंक होता है वो विशेषांक होता है, जिसमें किसी न किसी समाज में इतने जो रोग हैं उन रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें किसी दवाई से नहीं बल्कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा और आहार के द्वारा कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति के उपाय भी बताए जाते हैं। इसके अलावा जो लोग रोगों से मुक्त हो गए हैं योग के माध्यम से, ताकि लोगों को विश्वस्तता बनी रहती है इससे कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मेरा ये इसको मैं कह सकती हूँ कि ये पत्रिका नहीं बल्कि एक संजीवनी है। आधुनिक युग में इसको जो भी पढ़ेगा, वो त्रिविध ताप कहते हैं ना, हमारे यहाँ 3 बार शांति पाठ में शांति 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 कहते हैं, वो त्रिविध तापों से शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। उन त्रिविध तापों से मुक्ति का उपाय बताने का माध्यम हमारी ये पत्रिका है, जो एक संजीवनी है आज के युग में। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट, आत्मा चैनल।